हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजतरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुवेन के दौरे के बाद आज सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे, जहां पीएम ब्रुवेन में कई समझौतों को दोनों देशों के विकास के लिए आगे बढ़ाया। वहीं अब सिंगापुर के दौरे के दौरान दोनों देशों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में समझौता कर सकती है, जिसका संकेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया, जहां इस मामले पर आज दोनों दलों के बीच बैठक हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जहां समझौते के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक शाह, गृह मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती है, जहां केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर रॉज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। रॉज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा ने अरविंद केजरीवाल समेत चार्जशीट में बनाए गए सभी आरोपियों को समन जारी कर 11 सितंबर को बतौर आरोपी पेश होने को कहा है। युवाओं को रोजगार देने एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लोन देने सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के फूलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 10,000 से अधिक स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण भी करेंगे। वहीं 5,000 से अधिक युवाओं में नौकरी का नियुक्ति पत्र भी देंगे। खास बात यह है कि इस रोजगार मेले में महिलाओं को ऋण भी दिया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां इस अभियान की शुरुआत पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदस्यता ग्रहण कर किया। वहीं आज से पूरे प्रदेश के बूथ स्तर पर औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले को आज 3 जिलों में बांटने की घोषणा कर सकते हैं सीएम मोहन यादव। बता दें कि यह मांग यहां की जनता वर्षों से करती आ रही है। वहीं सीएम मोहन यादव आज बीना का दौरा कर रहे हैं और चर्चा है कि आज ही सागर जिले को बांटने की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय में 8 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ दिखे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सूचना आयुक्त के पद की नियुक्ति को लेकर हुई, जिसके बाद बिहार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर मामले पर आज एक्स पर लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए, उनके अपराध की सजा परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। बसपा की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया था। वहीं अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर को लेकर तंज भी कसा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 41 शिक्षकों को राज्य ब्यूरो पटना द्वारा राजकीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 11 महिला शिक्षक भी शामिल है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि LG ने नए तरीके से दिल्ली वालों की जेब काटने की योजना बनाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंथन तेज कर दिया है, जहां कांग्रेस CEC की दूसरे दिन की बैठक शुरू हुई। वहीं खबर है कि बैठक में 41 विधानसभा सीटों पर मंथन हो चुका है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और सपा के साथ गठबंधन को लेकर इसे रोक दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन और आबकारी विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में 100 से ज्यादा शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस अभियान का उद्देश्य ओवर रेटिंग और तस्करी को रोकना है।
झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां महागठबंधन में राजद 22 सीटों पर दावेदारी करेगा, इसके लिए लालू और तेजस्वी यादव ने रणनीति बना ली है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया, वहीं सभी जवान सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्र मार्ग पर चलने वाले एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। जब भाजपा कार्यकर्ता लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने के लिए घर घर संपर्क करें तो भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी बताएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से लोगों का जीना दुभर हो गया है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले में पूर्व प्रिंसिपल 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजे गए, जहां आरोप है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में तैनात CISF को बंगाल सरकार सुविधा नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई वहां के जिला अधिकारी पर हुई, जहां सिंधुदुर्ग के जिला अधिकारी किशोर एस तावरे का अचानक तबादला कर दिया गया है। यही नहीं, उन्हें पदावनत करते हुए गैर IAS जूनियर प्रशासनिक स्तर की श्रेणी की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजस्थान में 2021 की दरोगा भर्ती में धांधली का बड़ा मामला सामने आया, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा को पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रायका पर आरोप है कि रायका ने अपने बेटे बेटी को दरोगा बनाने के लिए पेपर लीक कराया था। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, धोनूदास सुरकान भोकड़े, मेदीलाल मौर्य, संजय कुमार, गीता अनुरागी, सुनील कुमार पाथीपाका, रक्षा आर्या, गुडवेज ट्रेवल्स, अशोक परमार, केशव चंद तिवारी, विनोद तिवारी, सुनील कुमार पाथीपाका, सुल्तान अंसारी, यूजर KY8, राजेश रॉय, दिनेश चौहान, रणधीर सिंह, शिल्पी बेग बैनर्जी, दीना बंधु कलसाई, अयोध्या प्रसाद राठौर, शिवाजी पटेल, यूजर EH6, प्रयास यादव, सुनीता मेहर, KP तिवारी, अशोक आर्या, प्रवीण कलिता, बंटी हजारिका, PC शुक्ला, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, सुधीर कुमार मिश्रा, अरुण दांगे, प्रहलाद पंडित, काजल गांगली, सत्येंद्र शाह, सुनील कुमार पाथीपाका, महतो हरिनाथ महतो और सुशील पांडे। तो ये थी आज की ताज़तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।